गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल क्यूट फैमिली में। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की कृपा आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ना आज ना मैं इवनिंग का टाइम है अभी, और अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज दिन भर ना मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरा मन ठीक नहीं था। अभी मैंने कुहू को सुलाया है और लगभग अभी ना 4 बज रहे हैं, तो मैं ना सोची कि अब चलो ना, आज जब मैंने दिन का ब्लॉग शूट नहीं किया, आज मैं शाम का ब्लॉग शूट करती हूँ। तो बस अभी मैंने कुहू को सुलाया ही है, काम वाम ख़त्म हो गया था। खाना वाना खाने के बाद कुहू को थोड़ा सा मैं मालिश कर रही थी, उसके बाद कुहू को सुला दिया है। और ना मन आज बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या करूं, ये तो समझिए जैसे हम लोगों का काम ही है, इसके बिना भी ना मन नहीं लगता है। थोड़ा सा ना अच्छा फील होता है जब आपके साथ हम अपनी दिनचर्या शेयर करते हैं। तो बस ना आज मन बिल्कुल सही नहीं था, आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो फिर ना मैंने सोचा कि नहीं, बनाना तो ज़रूरी है, तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ रेडी हो गई हूँ। और जैसे ही मैं रेडी हुई, वैसे ही कुहना उठ गई थी बीच में। तो इसका ये आदत है, सोती है ना तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक इसका होता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सोई तो 1 घंटे 2 घंटे सो जाए, ऐसे नहीं सोती है। तो बस अभी मैं ना लेकर इसको बैठ गई थी गोद में ही कि सुला लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको बेड पे सुला दूँगी, क्योंकि अभी ना मुझे शॉर्ट्स बनाने थे। तो ये है बाहर का मौसम, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है। मैं ना जैसे मैं मम्मी लोग से बात करती हूँ ना, तो पता चलता है मौसम ना लगभग अभी ठीक होने को आया है हमारे घर तरफ झारखंड में, लेकिन ना यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है। जैसे जैसे ना गर्मियाँ नज़दीक आ रही हैं, वैसे ही यहाँ बरसात और ठंडा दोनों एक साथ, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस ना ये देखिए आज का मौसम। और फिर ये ना मैंने रील वगैरह बना ली थी, शूट कर लिया था शॉर्ट्स, और उसके बाद ये शाम का टाइम है, दिया दिखा लिया है मैंने। और फिर ना ग्रॉसरी का सामान कुछ आया हुआ था, जैसे कि अभी महीना स्टार्ट हो चुका है तो मैंने कुछ भी मंगाया नहीं था। तो मैं ना सोची कि चलो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मंगाती हूँ, तो यही फ्लिपकार्ट से कुछ ग्रॉसरी के सामान मैंने मंगाए थे, तो वही रखना था। तो मैंने सोचा कि कुहू अभी सोई हुई है, मैंने शॉर्ट्स और रील बना लिए थे, तो मैंने सोचा कि काम शाम का जो है उसको शुरू करने से पहले ना ये सारा सामान समेट लूँ। और चेक भी करना पड़ता है कि क्या सारे सामान सही से आए हैं कि नहीं, कभी कभी ना सामान गलत भी आ जाता है, तो इसीलिए ना मैं यहाँ बैग में ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर में रखने से ना ये जो चूहा है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, काट देता है पैकेट वगैरह। तो फिर ना ये आज मेरा एक कुर्ती भी आया हुआ था, तो मैंने उसको ना खोल के देखा नहीं था, तो वही मैं ना देख रही थी कि कैसा आया हुआ है। डेली वेयर के लिए मैंने मंगाया था, तो बस वही मैं यहाँ चेक कर रही थी। तो कपड़ा तो बहुत पतला है, वैसे ना डिज़ाइन और कलर जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे मैं देखूंगी इसको क्या करती हूँ, सोच रही हूँ रिटर्न कर दूँ, क्योंकि कपड़ा थोड़ा पतला है, लेकिन कॉटन है ना, तो कॉटन धोने के बाद थोड़ा सा ना और अच्छा हो जाता है। तो फिर देखती हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं रख ही लूँगी, लेकिन फिर देखते हैं क्या करूँगी इसका। फिर ना शाम हो गया था, तो मैं इधर आ गई थी किचन में, और अभी ना शाम की ये खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और क्या बताऊँ, आज ना दिन भर मेरा ऐसा गया है ना, ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसे हम लोग चाहे लाख भुलाना चाहे, लेकिन कुछ जख्म कुछ दर्द ऐसे होते हैं। हमारी लाइफ बहुत ऐसे चीज़ों ऐसी मोड़ से गुजरती है ना कि हमें वो चीज़ें भूलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, मुझे कुछ पहले की बातें याद आ गई थी ना, तो आज ना बस दिन भर ना रोना रोना रोना, बहुत रोई हूँ आज, बहुत बुरा लग रहा था। जैसे एक बुरा वक्त याद आता है ना, तो बारी बारी से सारे चीज़ें याद आते हैं मुझे, और जब सारे याद आने लगते हैं ना तो बहुत रोना आता है। मतलब मन इतना भारी हो जाता है ना कि जब तक जी भर के रो ना लूँ तब तक ना हल्का ही नहीं लगता। तो बस आज इसीलिए ना ब्लॉग व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया दिन का, और सारे काम कर रही थी और वैसे ही रोते जा रही थी। तो बस ना इसीलिए मैंने आज दिन का शूट नहीं किया, तो सोचा शाम का ही कर लूँ। तो अभी शाम का ना मैं अभी बना रही हूँ खाना, तो आज ना करेले का भुजिया बना रही हूँ और पराठा बनाऊँगी। दिन में मैंने बनाया था चावल दाल और आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई है और थोड़ा सा चावल भी बचा हुआ है,
तो भुजिया ज़्यादा ही हो जाता है। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना कि मैं बना लूँ आराम से, मतलब जितना खाना है उतना, लेकिन नहीं, मेरे से हो ही जाता है ज़्यादा। तो बस यहाँ ना मैं अभी इधर भुजिया छौंक करके और इधर आटा लगा ले रही हूँ। और अभी जैसा कि मौसम देख रहे हैं कितना ठंडा ठंडा बना रहता है ना, तो सुबह जब हम लोग उठते हैं तो बिल्कुल भी, मतलब सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि सुबह हम लोगों को जल्दी उठना पड़ता है और काम भी बहुत रहते हैं, और ठंड की वजह से ना काम करने का मन भी नहीं करता और उठने में भी बहुत आलस होती है। तो मैं ना कुछ कुछ कामें ऐसी है जो कि सुबह मुझे भागा दौड़ी ना करना पड़े, या फिर ज़्यादा लेट भी उठूँ ना तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ना मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, मतलब काम जो है सो मैं रात में ही करके सोती हूँ। तो अभी तो पहले खाना बना लेती हूँ। कुहू आ गए थे, कुहू के पापा, तो वो कुहू फ़ोन देख रही है उधर, उनकी पढ़ाई चल रही है और कुहू का फ़ोन लगा हुआ है। तो मैं ना अभी इस टाइम में कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मुझे भी इधर खाना बनाना रहता है और इसके पापा को भी पढ़ना रहता है, तो दोनों की मजबूरियां हैं अपनी अपनी। तो इसीलिए थोड़ा सा कुहू को फ़ोन भी बीच बीच में देखती है, तो मैं उसके वजह से कुछ कर नहीं पाती। चलो बच्चा है तो क्या करें, अभी ठंड का वजह मौसम है ना, तो मैं उसको अपने पास ला के यहाँ बैठा भी नहीं सकती। यहाँ पे ऊपर स्लैब पे चढ़ के वो बैठ जाती है, लेकिन अभी ठंडा लग रहा है इसलिए मैं नहीं बैठाती। तो यहाँ ना मैंने आटा लगा लिया है, और आटा लगा लिया है मैंने, नमक थोड़ा सा डाला है, पराठा बना रही हूँ ना, तो नमक डाल के जब पराठे बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने पराठे बनाने के लिए यहाँ पे आटा लगा लिया है, और अभी जल्दी से इधर मैं पराठे बना ले रही हूँ। करेली का भुजिया जब बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और पता नहीं आजकल वाला जो करेली है ना वो थोड़ा ना टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, पता नहीं बहुत, मतलब ऐसा ना, पहले का जो गर्मी के टाइम का रहता है ना तो सूखा सूखा सा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी भून भी जाता है और कुरकुरा सा बहुत अच्छा लगता है। अभी वाला क्या है ना कि जल्दी भूनता भी नहीं है, और फिर भूनते भूनते ना मतलब अजीब सा हो जाता है, थोड़ा सा पानी पानी टाइप का। तो यहाँ पर ना मैं पराठे बना रही हूँ और उधर भुजिया चढ़ा हुआ है, और पराठे में ना मैं रिफाइन ही लगाती हूँ। रिफाइन से क्या है ना थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, ऐसे मैं सरसों तेल अगर लगा दूँ ना तो हार्ड हो जाता है, मतलब खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही ये रिफाइन से लगा के अगर बनाती हूँ ना तो थोड़ा मतलब ठंडा भी हो जाए ना तो आराम से खा लो, खिला जाता है। तो मैंने ना यहाँ पे बना रखा था, तो थोड़ा सा उसी में से कुहू को मैंने आधा तोड़ के और दे दिया है। वो फ़ोन देख रही है ना, तो उस समय दे देती हूँ सॉस के साथ, थोड़ा सा तो खा ही लेती है, तो इसीलिए मैंने उसे थोड़ा सा दे दिया है ताकि वो खा ले। और यहाँ मेरे पराठे बन रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरह से पराठे बनाते हैं, और कौन कौन लोग हैं जो रात में ही अपनी सुबह की तैयारियां करके और सोते हैं। ऐसा तो मैं रात में बर्तन नहीं धोती, क्योंकि मैंने बताया है पहले भी कई ब्लॉग में कि यहाँ पे चूहा छिपकली बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए ना मुझे बर्तन रात में धोना ठीक नहीं लगता कि सुबह फिर से वो सारे बर्तन धुलने ही पड़ते हैं, क्योंकि मन नहीं भरता ना कि पता नहीं छिपकली या चूहा कुछ भी इधर उधर बर्तन में हो जाए, तो फिर मन नहीं भरता। तो इसीलिए मैं सुबह ही धोती हूँ, बाकी ना मैं रात में सारा इधर का काम कर लेती हूँ, गैस वगैरह जो भी चूल्हा साफ़ करना हो या फिर स्लैब साफ़ करना हो, थोड़े बहुत सामान जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं ना सारे मैं रात में ही समेट लेती हूँ। और जो कपड़ा वपड़ा होता है, जैसे कि रात मैंने शाम को कपड़ा वपड़ा सूखा, तो वो सारे कपड़े ना मैं रात में ही मोड़ के सो जाती हूँ। घर अगर बिखरा हुआ रहता है तो रात में ही समेट लेती हूँ, ताकि सुबह लेट से भी उठूँ तो ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ज़्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े, क्योंकि सुबह का समय बहुत, अभी का जो समय है ना वो ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का। तो इससे अच्छा है कि शाम को ही कर लो थोड़ा काम, ऐसे तो होता है ना कि दिन भर के काम से न थकने के बाद ना रात में मन करता है कि चलो अब भाई थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा हम लोग मन को ना थोड़ा सा समझा करके और जो बचा खुचा काम है उसको अगर रात में कर ले तो सुबह हमारे लिए बहुत ही मतलब ईजी हो जाता है काम करना। तो बस मेरे पास वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होते, लेकिन क्या करूँ, मेरी बेटी की वजह से ना एक ही काम को मुझे तीन बार चार बार करने पड़ते हैं। घर तो इतना बिखरा देती है कि बार बार मुझे समेट के रखना पड़ता है। तो ना देखिए मेरा बातों ही बातों में सहारा, यहाँ पे ना पराठा बन के रेडी हो गया, और ये मैं लास्ट में ना थोड़ा सा रोटी डाल देती हूँ, मतलब आटा ना ऐसे डाल देती हूँ ताकि ये पीछे का रोटी हो जाए। तो बस यहाँ पे ना पराठे सारे बन गए और भुजिया भी बन गई थी, तो सारे बर्तन जो जूठे हैं, जो मतलब मैंने रोटी वगैरह बनाया, तो सारे मैं ना रख देती हूँ नीचे में ही, और फिर यहाँ पे साफ़ कर लूँगी गैस को अभी, और स्लैब को भी साफ़ कर लूँगी। इधर जो भी डब्बे वगैरह ना जल्दबाजी में इधर उधर हो जाते हैं ना, तो सारे चीज़ को
रात में ही मैं ठीक ठाक से करके रख लेती हूँ। अभी दूध नहीं आया है, तो दूध आएगा तो अभी मुझे दूध भी उबालना होगा। और फिर कुहू, जैसा कि आप सभी को पता है ना कि कुहू दूध पीती है, तो गाय वाला ही दूध पीती है या फिर पाउडर का पीती है, तो मुझे उसके लिए भी दूध बनाना पड़ता है। तो अभी ना मैं उसके लिए पानी भी उबाल के मुझे रखना होगा। मैं उबाल कर पानी रख देती हूँ ताकि रात में वो बहुत ही बार ना कभी पानी मांगने के लिए उठ जाती है, कभी दूध मांगने के लिए उठ जाती है, तो उसको ना देने समय ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती, पानी रखा हुआ रहता है, तो उसी टाइम मैं बना के दूध और दे देती हूँ। तो फिर ना इधर मैं जैसे ही साफ़ कर रही थी, वैसे ही ना अभी लगभग 8 बज रहा था और दूध वाले भैया आ ही चुके थे, तो दूध आ गया तो मैंने सोचा चलो इधर दूध चढ़ा लूँ। खाना तो बन गया है, लेकिन क्या है ना कि जब मेरे हस्बैंड पढ़ाई करने बैठ जाते हैं ना तो जल्दी उठते ही नहीं, कितना भी बोलते रहो उठ खाना खा लो खाना खा लो, पर नहीं खाते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ाई से ज़्यादा ही लगाव है। तो यहाँ ना मेरी एक भुजिया बन चुकी थी, तो यहाँ मैं उनको अभी मैंने बोला खा लीजिए उसके बाद पढ़ाई करिएगा, तो बस वही मैं उनके लिए यहाँ पे निकाल रही हूँ खाना। और जब मैं करेली का भुजिया बनाती हूँ ना तेल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ना मैं इस तरह से कर देती हूँ ताकि जो भी तेल एक्स्ट्रा है वो नीचे आ जाए और फिर अच्छे से भुजिया में भी ज़्यादा तेल ना रहे, तो इसीलिए ना मैंने इस तरह से हमेशा मैं कर ही देती हूँ। फिर यहाँ पे ना मैं निकाल ली उनके लिए खाना, ये सुबह दोपहर वाला सॉरी जो सब्ज़ी था वो वाला सब्ज़ी है, तो वो भी दे दूँगी साथ में, तो वो खा लेंगे। जब तक वो उधर खा रहा है ना तब तक मैं ना इधर में आ गई किचन में फिर से, और कुहू का दूध का जो भी काम होता है ना इसका भी एक मेरा बहुत बड़ा टेंशन रहता है, उसको दूध बना के दो और बना के पानी रखो, सारा चीज़ मैं रात में क्या बताऊँ, सारा चीज़ ही मुझे ले कर सोना पड़ता है। कुछ भी चीज़ें ना भूल जाओ तो फिर रात में उठ के ना किचन में आने में बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, इसीलिए ना मैं उसका पानी वगैरह जो भी दूध है सब मैं ना डब्बे वगैरह साथ में ही बेड के पास ही लेज कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया था और उसके बाद उस पानी को ठंडा कर लिया, नॉर्मल कर लिया था और बॉटल में डाल के रख लिया है। और यहाँ अभी ना मैं कुहू को गाय का दूध दे रही हूँ, थोड़ा बहुत गाय का भी देती हूँ और पाउडर का भी देती हूँ। और फिर ना ये तेल मेरा ख़त्म हो गया था सुबह में ही, तो जैसा कि ग्रॉसरी का सामान भी आ ही चुका था तो तेल भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि सुबह फिर दिक्कत होगी क्योंकि ये जो डब्बा है ना इसमें तेल ना डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी अभी ये कर लेती हूँ, सुबह ज़्यादा टेंशन ना हो इसके लिए, तो बस इसको भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। और अभी कुहू के पापा ने खाना खा लिया है, अभी मैं कुहू का दूध वगैरह रख लूँ उसके बाद मैं भी खाना खाऊँगी। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग ना करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।